हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ सोलानी पार्क में। और जैसा कि आप जानते हैं कि रुड़की का सबसे खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है, बच्चों के लिए झूले हैं और लोग अपना टाइम काटने के लिए, अच्छे पलों के लिए सोलानी पार्क आते हैं। वैसे तो अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इस मौसम में चूँकि लॉकडाउन में लोग नहीं आ रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, पॉल्यूशन नहीं है, तो ग्रीनरी और ज़्यादा बेहतर हो गई है पहले से। और फूल आ गए हैं, घास बड़ी हो गई है, देखने में नज़ारा अच्छा है, बस थोड़ी सी काट छाट की ज़रूरत है। खैर, वो वक्त जब आएगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब इसका भी नंबर आएगा, फ़िलहाल तो काट छाट की और साफ़ सफाई की हमारे शहर को ज़रूरत है। वो खैर बहुत अच्छी चली रही है। आज मैं आपको सोलानी पार्क के नज़ारे दिखाता हूँ कि इस लॉकडाउन में सोलानी पार्क कैसा दिखता है। स्टे ट्यून विद अस। ये अमरूद का पेड़ है और इस पे छोटे छोटे अमरूद लग रहे हैं, आप देखिए तो फूल भी आ गए हैं। अगर मैं कहूँ कि ये लॉकडाउन और एक डेढ़ महीने ऐसे ही चला तो इस पेड़ पे इतने अमरूद आएंगे कि इसकी टहनियाँ झुक जाएंगी। आप देख रहे हैं चारों तरफ लगदग है, ये कलियों से छोटे छोटे अमरूद इस पे लगे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर ये लॉकडाउन ना होता तो यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि ये फूल जो आप इस पे देख रहे हैं सब फूल टूट जाते हैं। ये देख रहे हैं ना, छोटी छोटी कलियाँ ये सब लगी हुई हैं, इस पर कुछ ना होती। बहरहाल लॉकडाउन के अपने भी कुछ फ़ायदे हैं, ये आप ग्रीनरी देख रहे हैं। ये बेंचेस अमूमन ऐसे खाली नहीं होती जैसे आज ये खाली है, ये झूले ऐसे खाली नहीं होते जैसे आज ये खाली आपको दिख रहे हैं। ये जंग लगता जा रहा है, ये बरसात में शायद और ख़राब हो जाएंगे। ये पेड़ देखिए, नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ को कहते हैं कि इससे हवा साफ़ रहती है, स्वच्छ रहती है। और बचपन में आपने सुना होगा कि नीम के पेड़ की दातुन करने से दांत बड़े मज़बूत रहते हैं, ये वही नीम का पेड़ है। बड़े खूबसूरत और कई तरह के प्लांट यहाँ लगे हुए हैं और इस वक्त तो ये बहुत बेहतर स्थिति में है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ पेड़ हैं, जैसे आप वो सामने देख रहे होंगे, वो केले के पेड़ लगाए गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे ये सोलानी का पुल है और ये 160 साल पुराना पुल है। ये आज ये पुल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं,
जैसे कि मैंने आपको रुड़की के जो मेन पार्क हैं सोलानी पार्क के दोनों हिस्से दिखाए, अभी मैं आपको एक और छोटा सा पार्क दिखाने वाला हूँ। रानी लक्ष्मीबाई की पूरे शहर के अंदर संगमरमर की यानी मार्बल की अगर कोई मूर्ति लगी है तो मूर्ति ये है। शहर की एक इकलौती मूर्ति है जो मार्बल से बनाई गई है और बड़ी खूबसूरत स्टैचू है रानी लक्ष्मीबाई का। और ये उस वक्त का सीन है जब वो अपने बेटे को अपनी पीठ पे बांध के चली थी दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। तो लगभग सभी पार्क मैंने आपको दिखा दिए हैं। लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन है, कुछ नई छूट मिली है कुछ जोन्स में जैसी स्थिति थी वैसी ही है। बाकी पार्क का ये सिलसिला आज यहीं ख़त्म होता है, जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। दिस इज़ कुंवर शाहिद साइनिंग ऑफ टिल नेक्स्ट व्लॉग।